3, 2, 1, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। हम जीएस न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हां, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और हम आज लाइव इंटरव्यू में आप सबों के बीच हैं। टॉक विथ बीबी, टॉक विथ वरुण बाबुल, जीएस न्यूज पर लाइव जुड़ रहे सभी सदस्यों का हार्दिक आभार, हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हां, जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि जीएस न्यूज की ओर से लाइव इंटरव्यू की शुरुआत की जाएगी, जो बिल्कुल अनएडिटेड और कट वीडियो होगा। एक डायरेक्टली लाइव के माध्यम से हम आप लोगों के बीच पहुंचेंगे और आप लोगों से सीधा जुड़ेंगे। आज वह वक्त आ चुका है कि इस रविवार को संध्या 5 बजे हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आइए एक जोरदार पहले जयकारे के साथ शुरू करते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जीएस न्यूज की ओर से यह बिगुल है जो इसकी शुरुआत की जा रही है लाइव इंटरव्यू की। लाइव में जुड़ रहे सभी सदस्यों का हम हार्दिक आभार और स्वागत करते हैं। हम आपको बताते चलें कि आज से इस लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ कोई ना कोई एक खास मुलाकात में होंगे। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा बीच इंटरव्यू में, तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 97098-94-194। जी हाँ, 97098-94-194। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 5 से 5:30 बजे के बीच। हाँ, और इस इंटरव्यू में, इस लाइव इंटरव्यू में हम आपके प्रश्नों को रखेंगे और अवसर मिला तो हम उसका उत्तर देने का भी या हम अपने एक्सपर्ट से राय देने का भी कोशिश करेंगे। आइए करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत। आज हमारे साथ है इसी नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर से, बिहपुर के निवासी समाज सेवी और विभिन्न रंगों से रंगे निरंजन शाह जी। निरंजन जी, हार्दिक अभिनंदन आपका जीएस न्यूज लाइव इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण बाबुल जी। अब जीएस न्यूज के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूँ और विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस तरह का शुरुआत आज नौगछिया में किया है। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आपका ये चैनल जो है पूरे बिहार में परचम लहराएगा। आज इसकी शुरुआत हो रही है और आज इसमें शुरुआती करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है बाबुल जी। और मेरे समझ से नौगछिया के लिए ये एक पहला मौका है जो इस तरह का शुरुआत आपके माध्यम से हुआ है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हुआ है। और मैं आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आपने नौगछिया के मुद्दा को जीवंत रूप से उभारा है। अभी लाइव इंटरव्यू लगातार शुरुआत हो चुका है, लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आपको लोग किस नाम से और किस तरह जानते हैं। देखिए, मेरा नाम निरंजन शाह है। मैं बबनवा ग्राम से रहने वाला हूँ, थाना बेपुर, जिला भागलपुर का निवासी हूँ। नौगछिया में मैं समाज सेवी ग्रुप में मेरा एक पहचान है, क्योंकि मेरे नाम के आगे निरंजन आर्ट लगा हुआ। मेरा फेसबुक फॉलोवर जितने भी हैं हमसे कई बार प्रश्न भी कर चुके हैं, भैया आप निरंजन आर्ट क्यों लिखते हैं? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों को, मैं पहले पेंटिंग के जॉब से जुड़ा हुआ था, साइन बोर्ड पेंटर के नाम से नौगछिया अनुमंडल में मेरा एक ब्रांड था, एक निरंजन आर्ट एक ब्रांड नेम है जो कि पूरे नौगछिया अनुमंडल में छाया हुआ था। चूँकि अब उससे मेरा नाता टूट गया है, मैं उस काम को अब लगभग समाप्त ही कर चुका हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे जो मेरी जो पहचान है वो आर्ट के नाम से है। क्या बात है, मतलब एक आर्ट मतलब होता है कला, कला से कलाकार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि मैं साइन बोर्ड पेंटर के साथ साथ ड्रामेटिस्ट भी हूँ। मैंने अपने गाँव में कई ऐसा ड्रामा प्ले किया है या उसका रोल प्ले किया है जो आज भी लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं। क्या बात है निरंजन जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने पढ़ाई कहां से की और किन किन, फिर हम लोग मुद्दे पर भी आएंगे। और जिस तरह कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस लाइव इंटरव्यू के पार्ट होने के लिए आपको किसी पद पर पैसा और पावर की जरूरत नहीं है, यह आम लोगों का शो है और यह लाइव शो है। हम लाइव आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो आंसर देंगे, आप जो बताएंगे उसे भी हम दर्शकों के बीच रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और ये निश्चित तौर पर ये पैसे और पावर की जरूरत नहीं है इसमें, और आपने एक बेहतर सामंजस्य स्थापित किया है नौगछिया अनुमंडल वासियों के बीच। बिल्कुल जी, मतलब कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई? जी, मेरा पैतृक गांव भवनगामा है, मेरा जन्म स्थल भी भवनगामा ही है। मैं अपने जन्म स्थल से लेके आज तक जो भी हूँ अपने पूर्वजों के बदौलत, अपने माता पिता के बदौलत वहाँ अपने इस मुकाम पर हूँ। मेरा जन्म भवनगामा में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी मेरी भवनगामा में से हुई। मैं इंटरमीडिएट हूँ, मेरी पढ़ाई डीएस कॉलेज कटिहार से हुई है।
1990 में मैं इंटरमीडिएट डीएस कॉलेज कटिहार से किया हूँ, ये मेरी अंतिम शिक्षा है। कोरोना काल में आप काफी चमक गए, इसके बारे में पहले बताएं। जी ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि वो स्थिति था अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, महामारी का समय जो कल्पना से बाहर था, उस भीषण महामारी में जो हम लोगों से बन पड़ा है, चूंकि इसमें हम लोग की संस्था का बाबा गिरनाथ सेवा समिति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने पूरी टीम का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं उस कोरोना काल में, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था या किसी भी तरह की सुविधाएं हम लोगों को चाहिए थी, जिसमें हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है पूरा करने का। अच्छा, अभी लगातार फेसबुक पर लोग जुटते जा रहे हैं, वो प्रश्न पूछेंगे तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एक सवाल, हमारा एक विधानसभा चुनाव हो चुका है और लगभग जो है हर जगह का चेहरा और कार्य की जो है रणनीति बन चुकी है, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार चुनाव के बाद? बिल्कुल, इस बार चुनावी माहौल तो काफी टफ था, उस मतलब विषम परिस्थिति में भी एनडीए की सरकार बनी है और हमारे नवगछिया अनुमंडल के दोनों विधानसभा गोपालपुर और बिहपुर से एनडीए के प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मैं इस आपके जीएस न्यूज चैनल के माध्यम से एक बार पुनः गोपाल मंडल जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने चौथी बार ये चुनाव जीता है और नौगछिया वासियों को आपसे काफी उम्मीद है। और दूसरी तरफ क्या उम्मीद है, मतलब चौथी बार आए हैं, मतलब किस तरह का एक एजेंडा तैयार किया है, जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, जनता को उम्मीद है कि आप तीन मुद्दा आप सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन मुद्दा को आपको ध्यान में रख के चलना है, बाकी नौगछिया का विकास होता हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं निरंजन जी, स्वास्थ्य की स्थिति किस तरह होती जा रही है? देखिए आज का जो परिवेश, चूंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है, कई MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल से मेरा संपर्क रहा है, चिकित्सा जगत को लोग बिल्कुल पेशेवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कॉल है, जरा देखते हैं किनका है। हेलो जी, हेलो हेलो जी, इनका लाइन जो भी कॉल कर रहे हैं 6201 से, आप नेटवर्क में आकर बात करें, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी निरंजन जी, जी चूंकि शिक्षा ये जो चिकित्सा जगत है, डॉक्टरों को मानव सेवा भाव से काम करना चाहिए, जो कि आजकल बिल्कुल विपरीत हो चुका है, ये बिल्कुल पेशेवर होकर कार्य कर रहे हैं, मानव सेवा उनके प्रति रहा ही नहीं। जबकि हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद, MBBS करने के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें आपने पहला लैंग्वेज होता है कि हम मानव सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से, जो आज तक नहीं है। मैं अपने इस आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम डॉक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा, स्वास्थ्य कर्मियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने परिवेश में आप जहाँ भी हैं अपने लोगों का सेवा भाव से सेवा करें। अच्छा निरंजन जी, एक सवाल मेरा था कि यहाँ की जो स्थिति है वो आपके अनुसार कैसी है, नौगछिया की स्थिति क्या है, बढ़ती जा रही है या बदतर होती जा रही है? किस मामले में आप ये पूछ, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित अगर, क्योंकि अब विगत कुछ वर्षों में आप देखें एनडीए की सरकार जब से आई है निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, लेकिन जो उम्मीद होना चाहिए सुधार का वो अभी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायकों से, गोपाल मंडल जी से, इंजन शैलेंद्र जी से, कि आप सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ विधायक कैसे ही स्वास्थ्य विभाग सीधा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आमजनों का भी सहयोग चाहिए और साथ साथ विभागीय लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, जिसमें कि आपको सपोर्ट कवर करें। लगातार जो है कुछ दिनों से सड़क दुर्घटना में काफी इजाफा हुआ है, लगातार जो लाइव जुड़ रहे हैं लगभग हर क्षेत्र में, सबों को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आज पहला एपिसोड है, इसलिए अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो रही हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। और थोड़ी लाइट की कमी मुझे भी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं आपके कमेंट और आपके प्रश्नों का खुद से इंतजार कर रहा हूं, इसके लिए मैं, यह लगातार चलता रहेगा, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप, मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से जो अभी की जो स्थिति है निरंजन जी, एक पेट में दर्द होने के बाद मायागंज जाना पड़ जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए इसमें हम लोग समझते हैं कि अपने आम लोगों का ही दोष है, दोष किसी भी परिस्थिति में ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को। डॉक्टर चाहे वो गांव का ग्रामीण चिकित्सक हो या शहर का MBBS डॉक्टर हो, उसका मेंटेलिटी होता है कि मेरे पास जो पेशेंट आया और पेशेंट हमसे ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता कि मेरे द्वारा दी गई दवाई से पेशेंट को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन खुदा ने खास्ते अभी एक दुर्घटना हुई हमारे बिहपुर क्षेत्र में ही, एक बच्चे का देहांत हो गया है हॉस्पिटल में, पता नहीं गॉड नोज किसके कारण से ये ऐसा हुआ है। लेकिन कभी भी स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी स्टाफ जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, वो नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किया गया ट्रीटमेंट से आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि पब्लिक को भी कोऑपरेशन करना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी दिन रात आपके सेवा में लगे रहते हैं, आपको भी समझना चाहिए कि हो सकता है मानव स्वभाव। एक निरंजन जी, मेरा एक सवाल है कि आदमी के पेट में दर्द है,
तो वो क्या करे, विभाग को वो अस्पताल पहुंचता है और स्ट्रेचर पर लेट रहा है, आपके यहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, तो क्या वो आदमी सरकार को पछताए कि जिसको हमने वोट दिया था, या किसके लिए वो, मतलब वो जो आंसू बहा रहा है अस्पताल में उसे वह किसको कोस रहा है, सिवाय भाग्य के, व्यक्तिगत ना लेकर कि अगर मान लीजिए हमारे पेट में अभी दर्द उठ जाए, हम अभी अस्पताल जाए तो लगभग है तय कि कहा जाता है कि अस्पताल में दवाई नहीं है, मायागंज रेफर कर दो। देखिए ऐसा व्यवस्था है नहीं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में जो भी आपका रेफरल हॉस्पिटल है, प्राइमरी हॉस्पिटल है, सब में दवा की व्यवस्था है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम लोगों को भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, आम लोग भी आप अपने स्टाफ को कोऑपरेट, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल को कोऑपरेट करें, चूँकि क्राइम बढ़ रहा है मेरे हिसाब से विगत कुछ वर्षों में। बिल्कुल, हम अपराध पर भी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मुद्दा हर समाज के एक पहलू से है, हर वो क्रिया से है जो समाज में हो रही है। मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर पोस्टेड है, महिला डॉक्टर भी पोस्टिंग है, उनका जेंट्स डॉक्टर का भी पोस्टिंग है, लेकिन वो हॉस्पिटल में समय नहीं बिता पाते, तो उनका हॉस्पिटल में जो रहने की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते वो टाइम एक घंटा से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं बिता पाते हैं, वो आए फर्स्ट ओपीडी देखे और उसके बाद अपने डेरा पर चले। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि व्यवस्थाएं हमारी अच्छी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। व्यवस्थाएं कौन तैयार करता है निरंजन जी? व्यवस्थाएं अपनी सरकार, जिसको हमने चुन के यहां से सदन में भेजा। अभी आप दो मिनट पहले कह रहे थे कि एनडीए की सरकार आई, एनडीए पूर्व में भी अच्छा कार्य कर मतलब पूर्व से कार्य कर रहा है और फिर स्थिति वैसी ही है, तो हम कैसे मान लें कि पुनः आकर वो अच्छी करेगी? कार्य काम करने वाले से ही गलतियां होती है। निश्चित तौर पर एनडीए के 15 वर्ष शासन काल में बेहतर व्यवस्था हुई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाला जो समय है वो और इससे बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज, एक निरंजन जी एक सवाल है, चूंकि हम लोग तेज इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं, समय कम है, विषय अधिक है, बातें बहुत अधिक है, और हमारा नंबर 97098 9709894194 जो है वो एक्टिव है, आप फोन करें अगर आपके मन में भी निरंजन जी के लिए, हमारे लिए कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं। तो रंजी, अपराध पर आया, उसके पहले एक बड़ा विषय है बेरोजगारी का। बिल्कुल, हर हर क्षेत्र, हर जिला, हर मतलब प्रदेश का हर एक कोना त्रस्त है। जी बिल्कुल वरुण जी, ये बेरोजगारी की जो समस्या है पूरे देश की समस्या है, ये सिर्फ बिहार या अपने नौगछिया क्षेत्र की समस्या नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार इस पर काम कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चूँकि हम अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं, उद्देश्य होता है कि हम उसको सरकारी सेवा में भेजें। सरकार के पास साधन सीमित है, उसी साधन को सरकार विकसित करने में लगे हुए हैं। मैं किसी को हट करना नहीं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने 60 साल 70 साल का शासन देखा, हिंदुस्तान ने झेला है, तो अभी जो एनडीए की सरकार और आपके देश का जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो काम 6 सालों में किया है, शायद देश के इतिहास में ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें हमारे लाइव कार्यक्रम का, कुमार वीरवल जी का है, हाय हेलो, अनंत भारद्वाज का आ रहा है, धन्यवाद, सत्यम राज सत्यम, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, शुक्रिया कुमार वीरवल जी, थैंक यू, मनीष रंजन गुड गोइंग, बहुत अच्छा, धन्यवाद, और बिहान सिंह राजपूत पत्रकार है, उन्होंने लिखा है मंगलमयी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, और प्रिंस जायसवाल जो सो ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा, धन्यवाद, और रणवीर कश्यप जी का है, हार्दिक धन्यवाद, सोनी कुमारी वेलकम सर, शुक्रिया मैडम, और बिहान सिंह राजपूत एक प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों में निजी क्लिनिक से दवाई मंगाया जाता है फिर उपचार होता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिहान सिंह जी, आपको नमस्कार, आप इस चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और आपको सारी बातें पता है, फिर भी आपका मैं उस पर बढ़ा रहा हूँ, फिर भी चूंकि अस्पताल में कुछ कॉमन दवाई मौजूद होता है, आप जैसे पेट दर्द की बात करते हैं तो एक कॉमन दवाई है, पैरासिटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, और आपको आवश्यकता किसी और मेडिसिन की जो हॉस्पिटल में नहीं है, आपके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप बाहर से दवा ले लें, आप जरूरत पड़ता है, ये जरूरत, मान लीजिए निरंजन जी, तो ऐसी ये स्थिति तब होती है जबकि मान लीजिए 10 में 2 नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि 10 में 9 नहीं है,
और एक भी जो है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, विश्वास टूट चुका है, उतर चुका है। नहीं, निश्चित तौर पर विश्वास लोगों को करना चाहिए। यह अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था है, उसमें कमी है। यह अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप दवा की आपूर्ति कराएं, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। हॉस्पिटल में दवा आपूर्ति का काम अस्पताल प्रबंधन का होता है, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो शिकायतें होती है, करोड़ों रुपए खर्च होती है बिल्कुल दवाई पर, फिर भी लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम में सुधार की जरूरत है बाबुल जी, और मेरे समझ से इस बार जो सरकार गठन हुआ है इस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। चलिए हम दूसरी तरफ एक विषय लेकर थे, बीच में प्रश्न आया बिहान सिंह राजपूत का। आशा करता हूं बिहान भाई कि आपको उत्तर मिल गया होगा और निरंजन जी के उत्तर से आप संतुष्ट भी होंगे, आपका हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल था, अभी जो बेरोजगारी है एक बहुत बड़ी महामारी है, हम लोग इस पर बात कर रहे थे। चूंकि निश्चित तौर पर हमारे अपने जो अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेंटलिटी जो अपने हिंदुस्तान का जो बना हुआ है लोगों में कि बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में जाएं, जो आज की परिस्थिति अपने हिंदुस्तान की जो भी है उसमें पूरा सरकार उस बात को फॉलो नहीं कर पा रही है कि बच्चे को सरकारी नौकरी प्रोवाइड किया जाए। अभिभावक और बच्चा क्या सोच कर जाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जाता है, हम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर और शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवा में जाए। बिल्कुल सरकार, यानी पढ़ाई का सिर्फ एकमात्र मकसद सरकारी नौकरी ही है, बस ये अभिभावक का 90% अभिभावक को यही सोच होता है। लेकिन जब बच्चे में आप सामाजिक रूप से उनको जोड़ना चाहेंगे, उनको स्वरोजगार की दिशा में लेके जाना चाहेंगे, अपने काम को स्वयं करने की आदत डालवाएंगे, तो इस तरह की समस्या नहीं रहेंगी। आपके बच्चे हैं निरंजन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे 5 बच्चे हैं। बच्चे हैं, सारे लोग सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप बच्चों से क्या उम्मीद करके उन्हें पढ़ाते हैं, सच पूछ एकदम बताइएगा। लाइव इंटरव्यू है, निरंजन जी है, मेरा सवाल इनके व्यक्तिगत जीवन से है, व्यक्तिगत सवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा विषय है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर बेरोजगारी पर इनकी क्या राय है, ये अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद बाबुल जी, चूंकि ये मैं भी आज पहली बार आपके साथ लाइव हुआ हूं, मेरा ये पहला इंटरव्यू है आपके द्वारा, लेकिन जब आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर चोट किया है तो मैं आपको बताता हूं। मेरा ये सवाल है, ये चोट नहीं है, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप जो एक अभिभावक की तरह, आप एक अभिभावक बनकर बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं या कहीं भी घर में पढ़ा रहे हैं, आप क्या सोचकर उसे शिक्षा दें? हाँ, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मेरी शिक्षा इंटरमीडिएट तक की हुई है, और जिस समय मैं शिक्षा रत्न था तो मेरे पिताजी के पास वो कैपेसिटी नहीं था कि मुझे आगे की शिक्षा वो दे सके। मैंने पढ़ाई स्वयं छोड़ा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो। और चूंकि उस समय 90 में मैं डीएस कॉलेज का स्टूडेंट था और टॉप स्टूडेंट था, मैं आपको बताते चलूं कि मैं क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक कभी सेकंड डिवीजन मेरे सर्टिफिकेट में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य था, मेरी भी इच्छाएं थी, अनंत इच्छाएं थी कि हम भी मेडिकल लाइन में जाएं, चूंकि मेरे शुरू से झुकाव रहा मेडिकल लाइन की तरफ, और मैं उस क्रिया को पूरा नहीं कर पाया। ये अंदर में कसक है, और मैंने ये सोचा जब तक मैं इंटरमीडिएट किया हूं मैं अपने सभी बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन कराऊंगा। सलाम है निरंजन जी आपके। और उसको बच्चे को मैं कभी ये नहीं कह रहा तुमको सरकारी जॉब, तुम अपना उतना ज्ञान प्राप्त करो जो समाज में कुछ दे सको, मेरा उद्देश्य है। मैं अपने पहली बेटी को ग्रेजुएशन फाइनल कराऊ, वो क्या कहते हैं बीसीए फाइनल किया एसएम कॉलेज से, मेरी तीनों बेटी एसएम कॉलेज की छात्रा है। मतलब अगर हम बात करें निरंजन जी, तो आपने वह प्रयास किया है जो एक पिता बनने के बाद। बिल्कुल, मैंने ये प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है मेरा, क्योंकि सब अपने परिवेश में। हमारी शुभकामनाएं हैं, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबों की शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे अच्छे मुकाम हासिल करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जिस परिवेश से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, वहां लड़कियों के शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। पहला मैं ये अपने आप में यह स्थापित करना चाहता हूं, मैं बेटियों को उतना पढ़ाऊंगा जो बेटे का कमी महसूस नहीं। बात है। और मैंने अपने बेटे को, तीनों बेटियों को हॉस्टल में रखा और बेटे से ज्यादा महत्व दिया है बेटियों को, और मेरी बेटी तीनों आगे पढ़ रही है। एक सवाल है इसी बीच लाइव में आशीष आचार्य का सवाल है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार का कदम के बारे में जो है निरंजन जी से चर्चा हो चुकी है और लगातार चर्चा चलेगा, यह थोड़ा विषय लंबा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का कदम आपको भी पता है, क्योंकि देश मेरा 60 साल से बीमार था, और मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, एक किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट का कोर्स है 9 से 12 महीना, और ये जो एनडीए की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए हैं, ये 6 साल की है। एक बात तो हम कहेंगे निरंजन जी, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप कहीं ना कहीं एकदम एनडीए के भक्त हो गए। जी नहीं, मैं हिंदुस्तान का भक्त हूँ जी, मैं वंदे मातरम का भक्त हूँ, एनडीए का नॉट एनडीए जी,
मैं जो हिंदुस्तान आपको तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, तो क्या जो एनडीए को नहीं मानते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? बिल्कुल वो हिंदुस्तानी है, लेकिन सोच बदलना चाहिए जी। आज जो स्थिति है, मैं एक थोड़ा सा आपके लिंक से हटूंगा। बिल्कुल 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 स्वतंत्र है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल स्वतंत्र है और खुलकर बात करेंगे। अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, ओबीसी का 4 सीट आप अपने किशनगंज क्षेत्र में जीत के आए हैं, ये क्या दर्शाता है आपको? चलिए तो उस राजनीतिक पहलू पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हमारा सिर्फ ये मकसद है, यह सवाल है। आशीष आचार्य पूछते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ के क्षेत्रों की बेरोजगारी के लिए आपकी क्या राय है, क्या किस तरह के कदम सरकार के अलावा, सरकार चूंकि अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के अनुसार पहल कर ही रही है। हम अपने माध्यम से अपने युवाओं को, अपने बहनों को, अपने माताओं को जो बताते हैं, अपने जो बच्चे को शिक्षा के लिए आप भेज रहे हैं उच्चतर शिक्षा के लिए, जिसमें मेंटली तक हम सरकारी जॉब में जाएं, सरकारी जॉब से दिमाग को हटा लिया जाए, स्वरोजगार की तरफ आ पाए, स्वरोजगार की तरफ आ पाए, अपने समाज में अपने नवोचयान मंडल के परिवेश के अनुसार क्या क्या यहां कर सकते हैं, हमको उसको देखना। क्या बात है, लाजवाब, बिल्कुल एकदम। आशीष आचार्य, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको निरंजन जी का उत्तर बिल्कुल। और एक सवाल और है, कुमार विरवल पूछते हैं कि सर मेरा एक सवाल है कि जैसा नाव डूबने की घटना, आदमी डूबने की घटना आज आते रहता है, जीएस न्यूज में देखते हैं कि हम एक तैराक हैं और नदी में तैरना जानते हैं, हम चाहते हैं कि नौगछिया अनुमंडल के कोई बड़े बड़े पदाधिकारी वैसा निर्णय ले ताकि हमें भी कोई पोस्ट दिया जाए, मैं समाज की सेवा कर सकूं, मैं एसडीआरएफ में नौकरी करना चाहता हूं। एक सवाल है कि एसडीआरएफ की जो टीम होती है उसको जो है उसकी बहाली होती है, बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं क्षेत्र के जो कि तैराकी जानते हैं या सीख रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह दें? देखिए वो ये जो विषय है, ये जो जॉब की बातें हैं, आप खूब अच्छे तैराक हैं लेकिन जॉब में सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आपको किसी जहां तैराकी का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको पहले उस जगह को ज्वाइन करना चाहिए, वहां से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी ये तैरा ये जो आपका एसडीआरएफ का जो टीम होता है, एज ए डिफेंस, डिफेंस की तरह ही इनकी बहाली होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको उस लाइन से जाके ही आपको यहाँ आना, डायरेक्ट आपकी बहाली इस लाइन में नहीं होती है, इसलिए इस पर आपको फोकस करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आशा करता हूँ इसी बीच। और मैं एक चीज जानकारी दे दूंगा, अगर आप कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं तो हम आपकी आवाज भी सुनाएंगे, आप हमें फोन करें 97098494 पर और हम लाइव इंटरव्यू में आपकी बात सुनाएंगे। और निरंजन जी आज हमारे साथ हैं और हम उनका जो उत्तर होगा वो आपके सामने होगा। एक और है, पंकज कुमार भारती लिखते हैं, आपके ही सहयोगी हैं, कि अस्पताल में ब्लड बैंक एवं अन्य आधुनिक सुविधा के साथ हर विभाग में डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये एक ज्वलंत मुद्दा है अपने समाज के लिए, अपने नौगछिया अनुमंडल के लिए। और मेरे ख्याल से ये 48वां वर्ष है नौगछिया अनुमंडल का स्थापना का, और मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, एक 25 तारीख को मैंने फेसबुक पर डाला था कि 25वां वर्ष जब इसका अनुमंडल का स्थापना दिवस हो तो निश्चित तौर पर नौगछिया अनुमंडल में स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा के माध्यम में एक नया बदलाव देखने को चाहते हैं। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा, आप इस दिशा में समुचित कदम उठाएं। क्या बात है, लाजवाब। बीच में कुछ लोगों का कमेंट आ रहे हैं, निरंजन जी आपके, एसके यादव ने लिखा है, बाबुल जी नमस्ते, थैंक यू, अच्छी पहल भ्राता श्री शरद भाई, और शरद कुमार लिखे हैं, एसके यादव लिखते हैं नमस्ते, सुमित कुमार सुपर, सबों को धन्यवाद। और लाइव जुड़ने वाले सबों से मेरा निवेदन होगा कि इस वीडियो को के लिंक को, ये जो लाइव चल रहा है इसको शेयर करें ताकि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस इंटरव्यू का भागी हो सके और वो भी अपने मन का सवा प्रश्न पूछ सके। इसी बीच एक कॉल है निरंजन जी और हम रिसीव करते हैं। हेलो, बिरवल कुमार, आप ही का सवाल था अभी नौका से रिलेटेड, बिरवल जी। हाँ, तो आपके लिए, आपके लिए निरंजन जी का उत्तर कि इसमें जो है, जो नौका से जुड़ा हुआ होता है कार्य, ये विभाग द्वारा बहाली की जाती है, जिसे कि सेना, सैनिक रूपेण, सैनिक रूपेण यानी पुलिस के तरह उनकी बहाली होती है। आप नौका के साथ साथ जो आप तैराकी सीख रहे हैं, इसके अलावा आप सैन्य बल के लिए भी तैयारी करें और उनकी शुभकामनाएं हैं, आप पास करें और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करें और नौकरी प्राप्त करें, धन्यवाद जी। एक चीज और मेरे जहन में आ रहा था, एक जो ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए नौगछिया सबसे ज्यादा परेशान रहता है,
मैं पुनः एक जानकारी दे दूंगा, अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, अपनी आवाज भी लाइव में सुनना चाहते हैं, तो हमारे 97098-94-194 पर कॉल करें और लाइव में ही हम आपको इसकी प्रस्तुति सुनाएंगे, दिखाएंगे। निरंजन, एक एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जी, जाम का। ये जाम कितनों का लेगा जान रे भैया जाम? निश्चित तौर पर बाबुल जी, अपने नौछिया जोन में, ये भागलपुर जिला में, ये अपना विक्रमशिला सेतु पुल महाजाम के नाम से जाना जाता है। और मेरे समझ से ये स्थिति जो है आम पब्लिकों का ही मेन दोष है। प्रशासनिक व्यवस्था तो लाइनअप कर देता है, आपको देखना है, ओवरटेकिंग मेन समस्या है जाम की। आप निश्चित तौर पर ये टू व्हीलर वालों का सबसे बड़ा समस्या है, आप ओवरटेकिंग करते हैं, कहीं जाके आप बीच में फंसते हैं या कोई एक्सीडेंटल स्थिति पैदा होता है तो वहाँ जाम की समस्या होती है। लेकिन प्रशासन से भी हम उम्मीद रखते हैं कि उस जब जाम वाले जो पुल पर यदि किसी तरह का कोई फोर व्हीलर खराब होता है, इमीडिएट आप उसको हटा दें, उसके हटाने की व्यवस्था करें, तब तक आप वन वे करके प्रोसेस को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएं, निश्चित तौर पर जाम की समस्या दूर होगी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। एक चीज़ और बताएं कि अभी जो है सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती जा रही है, और जुड़ने लाइव जुड़ने वाले सभी पाठकों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पहला एपिसोड है और इसलिए अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो या ठीक ठाक नहीं चल रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे लिए भी यह ट्रायल है और यह पहला एपिसोड है। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी निरंजन कुमार और ये बीहपुर से हैं। एक कुछ लोगों का आ रहा है कि लगातार एसके यादव लिखते हैं कि सरकार से किसान विद्यार्थी परेशान है, सरकार क्या कर रही है? एक ही सवाल। देखिए निश्चित तौर पर ये मुद्दा है, किसान सरकार विद्यार्थी, कभी कभी समस्या। अभी चुनाव के दरमियान हम लोगों ने मुद्दा दिखाया, निजीकरण की मुद्दा ये है। और निश्चित पर अभी जो किसान का जो योजना निकाला है अपने भारत सरकार के द्वारा, ये किसान हित के लिए ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा में सुधार हो ही रहा है। आप एक बार ये मैंने कहा था पहले, यदि टीवी आपको हो जाता है तो उसका कोर्स है 9 से 12 महीना। आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि अभी सरकार बनी नहीं, 6 साल पूरा नहीं हुआ, एक बार की मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाए, वो संभव नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, निश्चित तौर पर समाधान होगा। इसके अलावा देखिए कुछ लोगों का कमेंट है निरंजन जी। प्रतोष सिंह राजपूत लिखते हैं नाइस, एसके यादव का प्रश्न था, और इसके अलावा अजीत कुमार नाइस, धन्यवाद अजीत कुमार। बिहान सिंह राजपूत पुनः एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं कि चुनाव आते नेताजी का मुद्दा बन जाता है कि नौगछिया जिला बन जाएगा, और क्या लगता है कब तक नौगछिया जिला बनेगा? बयान सिंह जी, निश्चित तौर पर इस बार नौगछिया को जिला बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि नौगछिया का स्थापना जो 50वां स्थापना दिवस होगा वो पूर्ण रूप में जिला के रूप में हम लोग मनाएंगे। वो जिला के लिए यानी और 2 साल और इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पर नौगछिया पूर्ण जिला बनेगा और वो जो होगा 50वां स्थापना अनुमंडल का होगा और पहला हम लोग स्थापना दिवस जिला के रूप में मनाएंगे। बात है, काफी उत्साहित है निरंजन कुमार और निरंजन जी बहुत ही। इसके बाद अगला है कमेंट, एसके यादव लिखते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन अभी किसान क्या क्या हालत है, क्या सरकार देख रही है? एक तरफ कहते हैं आप जय जवान जय किसान और दूसरी तरफ जवानों को ही किसानों के सामने खड़े कर देते। देखिए ये सबसे अपने हिंदुस्तान का ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था वो तो अब रहे नहीं। और आप इतने बड़े महापुरुष की पंक्ति को क्या भूल जाएंगे? निश्चित तौर पर भूलना नहीं है। उस दिशा में सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है और सारी चीजों 6 साल के शासनकाल में आप ये पूरे घटनाक्रम को अपने मानसपटल पर लाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा निश्चित तौर पर ये काम हो रहा है। कोई व्यक्तिगत कारण से किसी को लाभ नहीं मिल पाता है तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर जय जवान जय किसान पर भरपूर कार्य हुआ है। चलिए इसी पर करेंगे, एक कॉल है बीच में देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक नंबर से कॉल है 853 पे 8 से, जो भी हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ये जय जवान जय किसान से, तो अभी की जो स्थिति है वो लगातार कॉल कर रहे हैं, देखते हैं बात करते हैं। हेलो जी, जी सर, क्या नमस्ते सर, क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ झा। अच्छा अच्छा, देखिए हमारे भाई साहब हैं और अमरनाथ झा नाम हुआ इनका और ये लाइव जुड़े हुए हैं। जी भैया बहुत बहुत बधाई आप दोनों आदमी को, खासकर भाई निरंजन जी को। जी नमस्कार भैया। बहुत सीमित है, बहुत समय सीमित है, इसलिए मैं जल्दी से प्रश्न रखना चाहता हूँ। जी इनका सवाल है जी, भाई निरंजन जी को जो प्रश्न उन्होंने रखा है कि हमारे अनुमंडल में बालिका शिक्षा के लिए एक प्रश्न रखा उन्होंने जी, उनको बहुत बहुत उनका स्वागत और बधाई, वो इस पे जरूर काम करें। बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग मिलेगा जरूर, हम इस दिशा में पहल करेंगे, हम आपके साथ हैं भैया।
मैं आपके साथ रहूंगा, जितना आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा प्लान मंडल में दे सकते हैं और नया नया उपाय भी आप लगाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सब हम सबों का एकजुट होकर प्रयास करना होगा इसके लिए, और निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे इस मामले में। बहुत अच्छा मुद्दा भी सुना है, हमारा अनुमंडल बालिका शिक्षा में अव्वल रहे, सब हमेशा ये प्रयास रहेगा हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। मैं नहीं आपका छोड़ रहा, लेकिन आपने जो जो कुछ छुआ है उसके लिए आप दोनों आदमी का बधाई जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत नमस्कार, और आप फेसबुक लाइव है इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। और लगातार कॉल, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बस मैं आपको बता दूं कि ये लाइव इंटरव्यू जो लगातार चल रहा है, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं, निरंजन साह जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे 97098-94-194 पर फ़ोन करें और हम लाइव देंगे। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, एक कमेंट कुमार बिरबल जी ने धन्यवाद दिया है, और उन्होंने लिखा है, अच्छा एक सुमित कुमार हैं वो लिखते हैं कमेंट में कि इस्माइलपुर प्रखंड बदतर हालात पर भी रिपोर्टिंग कभी किया कीजिए आपसे विनम्र। जरूर करेंगे, इस्माइलपुर प्रखंड की स्थिति प्रत्येक वर्ष बाढ़ में बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि अपने नौगछिया अनुमंडल कोसी और गंगा दोनों से घिरा हुआ है, और बाढ़ के समय में एक आम समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जीएस न्यूज़ के माध्यम से, अपनी सरकार को कि इस बार इस पंचवर्षीय योजना में नौगछिया अनुमंडल को बाढ़ से जरूर बचाने का भरपूर प्रयास किया जाए। आगे का एक जो कमेंट है वो गुड्डू कुमार गुप्ता लिखते हैं, गुड्डू कुमार गुप्ता लिखते हैं, थैंक यू, सबों को शुभकामनाएं, लगातार जुड़ रहे सबों को हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और कमेंट है पंकज कुमार भाटी लिखते हैं, नौगछिया में खिलाड़ी के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। अच्छा, प्रीतेश जी का नाम कुछ हो गया था, प्रीतेश। और रणवीर कश्यप लिखते हैं, वेट एंड वॉच, धन्यवाद, देखते हैं जिला 25 तक में बन पाता है कि नहीं है, जय हो नीतीश सरकार। बिल्कुल बनेगा नीतीश जी, और चूंकि अपने लोगों को भी भरपूर प्रयास करना है, जिनको मैंने सदन में भेजा है, और हम लोग उनको सामाजिक नारी के अभिनंदन के माध्यम से उनके संज्ञान में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आपका ये काम है कि नौगछिया को जिला बनाने के लिए आप सदन में आवाज उठाएं। क्या बात है, पंकज भारती लिखते हैं कि 15 साल से सिर्फ जनप्रतिनिधि ने नौगछिया के खिलाड़ियों को सिर्फ स्टेडियम एवं अन्य सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन तक ही सीमित रह गया। जी पंकज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी इस न्यूज के माध्यम से कि ये सिर्फ अपने प्रतिनिधियों का मामला नहीं है, खिलाड़ियों को एकजुट होकर एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में आपको अनशन पढ़ाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। ये अपना प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जब तक आप डिमांड नहीं करते तब तक आप सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है। इसलिए आप किसी जनप्रतिनिधि के भरोसे बैठ के ये आप मत लगाइए कि हमको स्टेडियम मिल जाएगा, हम लोग सभी खिलाड़ी मिलकर एकजुट होकर प्रदर्शित करेंगे इस बात के लिए। अच्छा निरंजन जी, लगातार हम कमेंट पढ़ेंगे और आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे, जल्द से जल्द शुरुआत करें क्योंकि महज कुछ ही मिनट शेष है इस इंटरव्यू का। निरंजन जी, आप किस खेल से जुड़े हुए हैं, कौन सा खेल पसंद जी? कि मैं बचपन में स्कूल लाइफ में क्रिकेट से जुड़ा रहा, क्रिकेट खेलने के दौरान मेरी ये अंगूठा जो है आप अभी भी देखेंगे कि मेरा टूट गया था, उसमें क्रिकेट बॉल चलता था हार्डली बॉल, वो बॉल लगा तो मेरा ये अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, कौन कौन सा मैच खेले हैं, मतलब कितने कितने ओवर का? लोकल मैच जो उसमें अपने जमाने में जो चलता था उसमें, वो मोटा मोटी हम 85 के और 90 के बीच के दशक की बात करते हैं, उसके बाद मैंने क्रिकेट को अलविदा कर दिया। उसके बाद मेरा पसंदीदा, सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम रहा कैरम, मैंने कैरम काफी खेला, कई प्रतियोगिता भी जीता है उसके लिए जो लोकल में जपना होता रहता रहा। उसके बाद तो फिर ऐसा माहौल परिवारिक बना, सारा खेल रहते हैं, चूंकि मैं गाता भी, तो मैं आपको बता दूं मैं पहले अपने स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा गायक भी रहा, कलाकार। देखिए कलाकार और कलाकार, इसी बीच एक कॉल है, हालांकि ये कॉल दूसरे नंबर पर है, ऐसा बात करते हैं इनसे। जी सर, हेलो जी, वरुण जी नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हूँ, हम लतरा से बोल रहे हैं। ये रंजन कुमार हैं और ये लतरा से बात कर रहे हैं। जी पूछिए सवाल। और सवाल है सर कि हमारे गांव का मुख्य सड़क जो है जी, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से वो मुख्य सड़क बहुत ही खतरनाक और जर्जर स्थिति में है जी। यदि कोई प्रसव पीड़ा में जाती है महिलाएं जी, तो बहुत तकलीफ होती है, और 15 साल के एवज में उनको कोई देखरेख में नहीं लिया, कोई संज्ञान में नहीं लिया। निश्चित तौर पर ये चिंता की विषय है भैया, और मेरे समझ से इस बार का जो चुनाव पंचवर्षीय चुनाव है वो समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधि से, चाहे पंचायत स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हो, बात करके इस समस्या को आप दूर करने का प्रयास कराएं,
और ये चैनल के माध्यम से फिर एक बार पुनः हम निवेदन करना चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधि विधायक जी से कि आप इस समस्या को भी आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। एक और लगातार जो है कमेंट आता जा रहा है, नौगछिया जिला कब बनेगा, इसी की चर्चा हो रही है। प्रीतेश सिंह राजपूत और राहुल भाई जी नमस्कार, नमस्कार रंजन जी का इस पर भी है और कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, इसी बीच एक और कॉल है जो कॉल रिसीव करते हैं, देखते हैं उनका क्या है। जी सर नमस्ते, हेलो हेलो, हाँ सर, सर क्या नाम हुआ आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मेरा नाम हुआ रिंकू राजपूत जी, और कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? और हम सर कुर्सेला से बोल रहे हैं, कुर्सेला से जुड़े हुए जी, पूछिए सवाल। बोले सर मैं नगोशिया में पढ़ाई करता था, वहाँ रहता था, तो वहाँ कूड़ा कचरा की समस्या बहुत ज्यादा है। जी जी शुक्रिया, धन्यवाद। कूड़ा करकट जो है यह नौगछिया से नहीं उठ रहा है निरंजन जी, इसके लिए मतलब एक बार जो है दिया गया कि डंपिंग जोन बनाया जाएगा, कूड़ों को जो है डंप करवाया जाएगा, लेकिन ऐसी फिर मतलब देखिए सब कुछ सरकार पर भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ अपनी भी जवाबदेही होती है। बिल्कुल जवाबदेही के लिए ये लाइव शो ही उसी लिए है कि आखिर जाने जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा अपने आमजनों को, अपने भाइयों को कि आप जब भी कूड़ा आप ही गंदा करते हो, आप उम्मीद रखते हो मेरे जैसा ही कोई भाई उस कूड़ा को उठा के बाहर फेंकेगा, तो अपने आप काम को स्वयं क्यों नहीं, आप कुछ आपके आसपास में भी ऐसे कई जगह गड्ढे होंगे या कूड़ा जमा करके आप उसको देखें नहीं, वो यदि डंपिंग जगह है तो निश्चित तौर पर ये क्या कहते हैं अनुमंडल प्रशासन या फिर नगर निगम की जवाबदेही बनती है कि आप उनको आप सफाई करें। अच्छा एक चीज और हम बात करेंगे कि लोग अपने घरों का कचरा नौगछिया क्या ही जमा करता है, नगर पंचायत उस कुछ कचरे को उठाकर पोखर के पास ले आता है और पोखर में मछली मारी जाती है, फिर वही मछली वापस बाजार जाता है। देखिए ये तो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके नौगछिया ही नहीं, नौगछिया के आसपास जहाँ भी तालाब है, जिस तालाब में मछली पालन होता है वहाँ हर तालाब की हर गाँव की हर जगह की ये समस्याएं हैं। तो चूंकि नगर में जब शहर में रहते हैं तो नगर निगम की जवाबदेही बनती है, गांव में रहते हैं तो वो पंचायत सरकार की जवाबदेही बनती है कि हम अपने पंचायत को अपने नगर को कैसे साफ सुथरा रखें, और थोड़ा सा इसमें अपने लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि कूड़ा एक निश्चित जगह पर रखें। और इस तरह के सुविधा जब हम लोग मीटिंग करते हैं, किसी तरह का सार्वजनिक कार्य करते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, वहां पर इस समस्या को वहां रखा जाए जो इसका विभाग है। क्या बात है, और मैं आपको बताते चलूं कि मात्र 24 मिनट का शेष है और 24 मिनट के बाद हमारा यह लाइव प्रोग्राम आज के लिए जो है अल्पविराम लेगा, इसलिए आपको अगर प्रश्न पूछने हो तो जल्दी जल्दी आप हमें प्रश्न पूछें, कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, या फिर हमें फ़ोन करें। निरंजन जी एक चीज़ का और मतलब मेरा एक सवाल था कि जाम की मुद्दा, जाम का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, खिलाड़ी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा को लेकर कितनी स्थिति, कैसी स्थिति? देखिए ये स्थिति अब मेरे ख्याल से यदि हम कहें तो अभी कंपैरिजन यदि आप करते हैं 15 साल पहले 15 साल के बाद की बात, सरकार की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नहीं हुआ जिसमें महिला अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके, एकदम टाइम टेबल अपने घर को जा सके, सुरक्षित नहीं है महिलाएं और ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इस पर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए और अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं से मेरा निवेदन है सभी पदाधिकारियों से इस पर बिंदु पर आप ज़्यादा पहल करें। क्या बात है। अच्छा एक चीज़ और मेरा एक और सवाल था लगातार जो कमेंट करते जा रहे हैं, सबों को जो है हार्दिक धन्यवाद, और अगर आपका कोई सवाल है, अमन कुमार मिश्रा लिखते हैं कि भैया जी नंबर फिर से बोल दीजिए, तो मैं नंबर बता रहा हूँ 9709894194 97098-94194, यही नंबर है हमारा, और मात्र अब हम 22 मिनट आपके बीच हैं और 22 मिनट के बाद जो है वह आज का यह लाइव शो जो एक घंटे का है यह समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले दिन मिलेंगे जिसकी घोषणा होगा 20 मिनट में ही, बातें काफी अधिक है, काफी अधिक है। हाँ अच्छा एक चीज और, मैं अब थोड़ा सा लिंक से बाहर चलूंगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज लाइव में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, निरंजन जी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो आपने बचपन में बिताया है और वह चीज अब आप नहीं देखते। देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो खाने पीने से बताएं। हाँ मैं वही चर्चा कर रहा हूँ, मैं उस समय मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, आप 50 साल पीछे आप जाएंगे जी। उस समय जो गांव का परिवेश था वो शुद्धतम था जी। वो इस तरह का खाद बीज का भोजन नहीं था जी। और जो भी अपने माताएं और हम लोगों की दादी बनाया करती थी वो शुद्ध
एकता के साथ, और उसको पाँच उस जमाने का लोग आज भी 100 साल जीते हैं, और आज का जो हम लोग का जीवन औसत आयु हो गया मात्र 60 साल। इसका कारण है कि हम लोग गैस पर मारते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन मारते हैं, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है वो, जिसके चलते मतलब निरंजन जी हमारे लिए जी हेलो हेलो जी बताएं क्या नाम हुआ सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मन कुमार मिश्रा सर। हाँ ये मिश्रा जी बात कर रहे हैं जी, पूछिए मिश्रा जी सवाल अपना। सर हम नवगछिया से बात कर रहे हैं सर। जी जी पूछे सर अपना सवाल पूछे। जी सर निरंजन जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। निरंजन जी को प्रणाम। जी प्रणाम भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, हम राजेंद्र कॉलोनी में रहते हैं। जी जी राजेंद्र कॉलोनी में रहते हैं भैया जी, और बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं वहाँ पे पूरा कचरा एकदम जमा रहता है, और फिर जो है जलाने वाला भी नहीं रहता, एकदम पूरा बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा, और महकता है बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा बीमारी होता है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सर। देखिए मिश्रा जी आप राजेंद्र कॉलोनी में रहते हैं, अच्छी बात है, वहाँ का जो वार्ड पार्षद है आप उनसे मिलकर के इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, और ये हर एक वार्ड के वार्ड काउंसिलर की जवाबदेही है कि अपने वार्ड का कैसे सफाई कर सकते हैं। और अच्छा एक चीज निरंजन जी, हम लोग बात कर रहे थे तो वैसा कोई चीज बताइए जो मीठा नमकीन हो, जो आपने पहले स्वाद लिया हो अब वो नहीं मिलता, एक दो याद अगर वो मैं अभी कभी कभी देखने को मिलता है मार्केट में, बेसन और शक्कर से गुड़ से बना हुआ गुड़झिलिया जिसको बोलते थे, उस जमाने में काफी ज्यादा हवा बड़ी उस समय बहुत ज्यादा बिकती होगी। हाँ, काफी कि मुंह में लिया खत्म हो गया। मेला घूमने के लिए जब जाते थे तो कैसा माहौल था उस समय? मेरे समय से 90 के दशक के बाद अपने अमरपुर बगल में, बबनवा के बगल में अमरपुर एक गांव है, वहाँ शंकर मेला मनोनुक्षा जोन का एक मात्र शंकर मेला हुआ करता था, जहाँ की थिएटर लगता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए थिएटर आता थे बाहर से, उस मेले में खास करके इस मिठाई का भरपूर प्रचलन होता था, लोग बच्चे जाते थे आज भी। और कल कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, गौरीपुर में मेला लगता है, जो मुरी के लाय के लिए प्रसिद्ध है वो मेला, और वो अपनी पुरानी परंपराएं हैं। अच्छा ये रणवीर रंजन कुमार लिखते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए मैं जीएस न्यूज के सभी परिवार को सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और शुक्रिया रंजन कुमार जी धन्यवाद। यह कार्यक्रम हमारा यूं ही चलता रहेगा, और इसमें यह लाइव इंटरव्यू है इसलिए है कि आप भी देख सकें, एक अनकट और अनएडिटेड वीडियो है। अंजनी कुमार कश्यप लिखते हैं कि साहू पर्वत्ता से लेकर 14 नंबर तितरी रोड की जो है वो चौरीकरण कब होगा? एक बहुत बीच की एक गंभीर समस्या है जो तितरी दुर्गा स्थान से ब्रांच सड़क जो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या तो है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, सभी अपने अपने विभाग को जो हम भी जो इसका मंत्री जो है विभाग को आप संभालेंगे, तो ये निश्चित तौर पर ये काम अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। तो निरंजन जी हम लोग थे कि वो मतलब मेला जो जाते थे तो वहाँ क्या क्या नजर आता था, वो अब चीज नजर आता है क्या? मेला का सबसे खास, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो शंकर मेला हो चाहे ये गौरीपुर का कार्तिक मेला हो, ये दो मेला प्रमुख था। शंकर मेला का समापन हो गया, चूंकि मेला लगाने में मालिक रहे नहीं, उनका समापन हो गया है। गौरीपुर अभी जीवंत मेला है, जहाँ आप देखेंगे चीनी का मतलब तिलवा जिसको हम लोग बोलते हैं, तिल संक्रांत में जो प्रयोग करते हैं चीनी का तिलवा के रूप में, लट्ठा जिसको हम लोग बोलते थे, वो आज भी प्रचलन में, वो आपको कार्तिक मेला में देखने मिलेगा, जो उस जमाने में भी था आज भी है। क्या बात है क्या बात। अच्छा कुछ ऐसी चीजें जो पहले थी अब नहीं है, मतलब क्या? मतलब खाने पीने से संबंधित क्या ऐसा कुछ मेला में देखते थे, जाते थे तो खरीदते थे, लेकिन आज वो नहीं है। मेरे स्मरण में तो वही है बिल्कुल, तो फिलहाल मतलब जो नहीं है कुछ ऐसी चीज़ें स्मरण में नहीं है। मैंने एक बार, मैं अपनी बात करूं, मैं तो काफ़ी कम उम्र का हूं, मैंने एक बार देखा था कि कुछ मतलब एक इंटरव्यू के दरमियान ही एक ने बताया था कि हम लोग मेला में एक जाता खरीदते थे मिट्टी का, आज भी है वो चलता है। क्या है उसके बारे में वो? चूंकि आप इस बात को आप जब चर्चा ही कर लिए, वो एक अपना भारतीय परंपरा था। अच्छा, जिसमें अपने पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं थी, माताएं उस जाते में अपना मतलब आटा पीसती थी, दाल पीसती थी, और उसी से जो मतलब तैयार करके हम लोग वो भोजन कराती थी, ये उस समय का था। दूसरी बात, आज के तारीख में हम उसी पल पर दूसरी तरफ से आते हैं, वो व्यवस्थाएं बंद होगी। गांव में कुआं होता था, पानी भरने का समस्या थी, उसको ढो के हम लोग घर तक ले जाते थे, वो सारी बातें बंद हो गई।
अब हम लोग मशीनरी युग में आ गए हैं। बाबा रामदेव जैसा फिर जाता वाला एक्सरसाइज कराते हैं, घर में जाता खत्म हो गया, बैठ के घर में जाता वाला। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि पुनः वह जाता आ जाए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप अपनी पुरानी भारतीय परंपरा में आप वापस आए और ये आधुनिक परंपरा को आप त्याग कर दें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा चलिए, और लगातार जो है कमेंट आ रहा है। एक सवाल है रितेश कुमार से जी, शराबबंदी से सालाना 10,000 करोड़ का अवैध कारोबार अनुमानित है, शराबबंदी के बारे में बताएं। हम अभी इस टॉपिक पर नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, अगले बार इंटरव्यू आएंगे भैया तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक जो है एक मेरे मन में एक और सवाल था कि पहले के और अभी के खेलों में भी बहुत परिवर्तन होगा, कुछ ऐसा ग्रामीण खेल के बारे में बताइए। वो ग्रामीण खेल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खेल था कबड्डी, जो आजकल बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसको जीवंत रखा हुआ बेपुर का ही गौतम प्रथम है जो कबड्डी को जीवंत रखे हुआ है। लेकिन कबड्डी अपने भारतीय देश का सबसे बेहतरीन खेल है, जिसे शारीरिक मानसिक आर्थिक तीनों रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं उसमें, यदि आप कबड्डी की तरफ आप ध्यान देते हैं तो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मतलब क्या, अच्छा एक चीज, गिल्ली डंडा खेले थे बचपन? बिल्कुल, बिल्कुल खेले थे। अच्छा, उसको कैसे खेलते हैं अभी के बच्चों को तो सच पता भी नहीं होगा। अभी के बच्चों को क्या पता, चूंकि वो साधन नहीं था, हम अपने बच्चों का महंगे महंगे गिफ्ट खिलौना प्रोवाइड करते हैं, उसको लोकल मतलब भारतीय परंपरा से बिल्कुल अलग हटा दिए, उसको हाय हेलो मम्मी डैडी सिखाते हैं जी, माँ बाप नहीं सिखाते हैं। जब तक हम भारतीय परंपरा में वापस नहीं लौटेंगे तब तक ये खेल आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। एक 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 मैडम, एक मैडम थी और जो है एक मैडम थी और उनका एक हमारे लगातार दूसरे भी सिस्टम में कुछ कुछ सवाल है। एक सवाल है कि आज 6 बरस हो गया 15 वर्षों से एनडीए सरकार बिहार में राज कर रही है, लेकिन नौगछिया ओवर ब्रिज का कार्य अभी तक पूरा नहीं कर पाए, इस विषय में निरंजन जी आप कहेंगे? आप जीएस न्यूज के माध्यम से हर एक 5 वर्षीय वादा जो सरकार करती है क्या इस बार कंप्लीट हो पाएगी, या 20 वर्ष पहले वाली एनडीए सरकार अभी तक रेलवे ओवरब्रिज पूरा नहीं कर पाई? रेलवे ओवरब्रिज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नौगछिया मदन एलिया के पास समीप जो रेलवे ओवरब्रिज है, कभी कभी तो ऐसा कार्य होने लगता है कि आज तो फाइनल, सुबह लोगों को ब्रिज नजर आएगा, फिर पता चलता है कि 6 महीने तक कुछ काम नहीं हुआ। जी मैं धन्यवाद, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कोई नेता नहीं हूँ, लोग आपसे पूछ रहे हैं, चूंकि ये सवाल जो है नेताओं के लिए ज़्यादा परफेक्ट बैठता है। मैं समाज से भी होने के नाते मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस तरह सरकार की कुछ सिस्टम हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी समस्या है, ओवरब्रिज बन जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इसके चलते ये हमारा ब्रिज नहीं बन रहा है। लेकिन इस बार ये ज्वलंत मुद्दा है नौगछिया के लिए, नौगछिया को पूर्ण रूप में जिला बनाना, और ये ओवरब्रिज एक यहाँ भी है और एक बीपुर का भी मुद्दा है, दोनों मुद्दे को इस नौगछिया जिला के रूप में हम लोग दूर करेंगे। अच्छा एक निरंजन जी, और लगातार जो है हम लोग सवालों में तो रहेंगे ही क्योंकि हमको जो पाठक हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक सवाल है साहू पर्वत्ता से लेकर 14 नंबर रोड की चौड़ीकरण के बारे में, तो इस पर हम चर्चा हाँ नहीं एक बार इसको एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा इस विषय में। अब जो सरकार हुई है, जो अपने अपने विभाग को अपने मंत्री जब संभाल लेंगे, और पहला मुद्दा नौगछिया के लिए सबसे पहला वो दुर्गा स्थान से लेके 0 माइल तक का चौड़ीकरण होगा। अच्छा, एक चीज और, हम बिल्कुल हम लोगों के पास बिल्कुल समय कम है, मात्र 12 मिनट का समय लगभग शेष बचा हुआ है, 12 मिनट के बाद यह लाइव समाप्त हो जाएगा। और फिर निरंजन जी, पहले के संबंध और अभी के संबंध में अंतर हुआ क्या? देखिए इसका रीजन है एकल परिवार। अच्छा, और पहले हम लोग उसको क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से परिवार में हम लोग रहते थे, पूरा फैमिली एक साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। और आज परिवेश हो गया एकल परिवार का, एकल परिवार में किसी के पास समय नहीं है, न पत्नी को पति के लिए समय है, न पति को पत्नी के लिए समय है, बच्चे तो खैर मोबाइल में व्यस्त हो गए। पहले के स्थिति में जो मोबाइल युग का नहीं था, उसमें हम लोग घर में बेसिक फोन रखते थे, वो एक जगह स्थिर होता था, बेसिक फोन रखा हुआ है तो हम कॉल आया तो हम उठ के जाते थे वहाँ पर फोन रिसीव करने के लिए। आज हो गया कि आदमी फ्रीज हो गया, हर हाथ में मोबाइल है, वो फ्रीज होकर बैठा हुआ, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है, ये सबसे बहुत बड़ा कारण रहा। नहीं, अभी भी इस तरह का। अच्छा ये बताइए, ये तो विडंबना है जी, ये बिल्कुल विडंबना है। ऐसे इसका तो जितना जैसी स्थिति बढ़ती जा रही है कि अभी लोग जो है वो मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसी मतलब ये ओपन लाइव शो है, बहुत सारे ऐसे परिवार में हम आप और लाइव पाठक भी देख रहे होंगे कि इस तरह की स्थिति होती है, तो इसका तो और धीरे धीरे दुष्प्रभाव बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज को दूर करने की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को, अपने भाई बंधुओं को ये कहना चाहूंगा, बच्चे के लिए, खास करके टीनेज बच्चे के लिए, अंडर 10 जो बच्चा हमारा 10वीं में है, उस एज बच्चे के लिए जहां मोबाइल की आवश्यकता नहीं हो, यदि बच्चा बाहर नहीं रहता है, उस बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए।
इसका एक रीजन बहुत बड़ा स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। एक तो बच्चा मोबाइल में दिन रात लगा तो उसका आंख डैमेज होगा, ब्रेन से वो डैमेज होंगे, और आपके हित के लिए ज़्यादा बढ़िया है कि आप बच्चे को दूतना द्वार लाड़ करें, उसको भोजन दें, बढ़िया से कपड़ा पहनावा दें, लेकिन मोबाइल से उसको दूर रखें, ये मेरा पहले प्रयत्न है। एक एक और है, घनश्याम प्रसाद लिखते हैं, गुड जॉब वरुण भाई, शुक्रिया घनश्याम प्रसाद जी। और जो है एक एक चीज़ और, एक मेरा और सवाल था कि संबंध के साथ साथ अभी जो है कहीं ना कहीं वो गुरु शिष्य में भी इस तरह का संबंध नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बाबुल जी, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किन्हीं के लिए नहीं बोलूंगा, मैं अपने जब स्कूल लाइफ में था तो उस समय हम ये देख रहे हैं 80 के दशक में जब स्कूल में टीचर होते थे तो बहुत ज़्यादा बच्चों पर ध्यान केंद्रित रखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और जो टीचर बच्चों को पढ़ाते थे उस टीचर का आज भी वही सम्मान है जो उस समय होता था। लेकिन आज प्रोफेशनल, मैंने पहले भी कहा था स्वास्थ्य विभाग में भी प्रोफेशनल हो गया, आज टीचर भी प्रोफेशनल है, वो अपने आपको पौने घंटा का समय आपको देते हैं, उसमें आप बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा उसका ड्यूटी ऑफ हो गया, अब वो सारी जवाबदेही पेरेंट्स का हो गया, बच्चे कम पढ़ते हैं पेरेंट्स ज्यादा पढ़ते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ये जो आज का जो परिवेश है, पेरेंट्स को ही पढ़ना पड़ता है, आपका आपको बच्चे का एडमिशन मॉन्टेसरी में लेना है तो पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, बच्चे का इंटरव्यू कम होता है, पेरेंट्स आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं भाई, इंग्लिश क्या है, ये अपनी भारतीय परंपरा है, हम हिंदू को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं, इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, हम अपने बच्चे को हिंदी का संस्कार दें, हिंदी भारतीय परंपरा का संस्कार दें, निश्चित तौर पर हमारा बच्चा विकास की ओर जाएगा। अच्छा क्या सर, अच्छा सर, एक एक और मेरा एक जो है सवाल है, चूंकि बहुत कम समय है और अभी भी हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और बहुत कम समय है हमारे पास, बस कुछ मिनट ही बचे हुए हैं, उसके बाद यह लाइव प्रोग्राम समाप्त होगा। और इसी बीच एक कॉल है, देखते हैं कौन है। जी नमस्कार, क्या नाम हो आपका, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो भैया जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम धीरज झा हुआ भैया जी, हम नगोचिया से बोल रहे हैं। जी जी, रोड। अपना सवाल पूछें। अभी जो है जी भैया जी, हम जो है एक स्टूडेंट हैं जी, अभी आपका लाइव तो भैया जी देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें सर ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी हम जैसे कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं जी, हाई स्कूल में पढ़ते हैं जी, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हैं सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर हैं वो जी, सर जो है क्या कहते हैं वैसे अभी जैसे कि वहाँ पे जो लैब है, जैसे बायोलॉजी लैब है, फिजिक्स लैब है, ये सब लैब है जी, ये सब केवल रूम का शो दिखाने के लिए रखा गया, वहाँ पे सब चीज है, सब चीज लैब का जितना सामान जी 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 सारा सामान है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इनका सवाल है कि अभी जो हालांकि इन्होंने तो चर्चा कर दिया है एक नौगछिया स्कूल का, हम किसी स्कूल का नाम नहीं लेंगे ना ही किसी स्कूलों में प्रैक्टिकल का सामान है, लेबोरेटरी का सामान जो रखा हुआ है वो बिल्कुल यूं ही पड़ा हुआ है। देखिए बाबुल जी, तो बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा जगत में, अपने सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है प्रैक्टिकल की सुविधा है, आप साइंस को विषय को लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, बॉटनी लेते हैं, उसमें प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है, बिना प्रैक्टिकल का आपका ज्ञान अधूरा होता है, चूँकि सरकार संसाधन मुहैया करा के आपके विद्यालय तक पहुँचा दिया है। अब विद्यालय में टीचर मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ डिमेरिट भाव से देखता हूँ कि आपने टीचर की जो बहाली की है वैसे टीचर की बहाली कर दी है जिसको बेसिक ज्ञान भी नहीं है, आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो आपको प्रैक्टिकल कराए, साइंस की शिक्षा दे, ये नहीं हो पाता है। और जो है जो ज्ञानवान टीचर हैं भी विद्यालय में, वो विद्यालय के अव्यवस्था से परेशान है, वो बच्चे को समझे, वो चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है कि हम अपने बच्चे को प्रैक्टिकल कराएं, लेकिन विद्यालय का जो माहौल है, वहाँ के जो HM है, वहाँ के जो और सारे जो लोकल टीचर हैं, उनको इतना दबाव बनाए रखते हैं, वो अपने बच्चे के साथ वो खुल के आ भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, चूँकि विद्यालय प्रबंधन में, अब हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है विधायक जी, किसी भी उच्च विद्यालय का पदेन अध्यक्ष विधायक जी होता है, उनको भी चाहिए समय समय पर महीने में एक बार भी यदि समय मिलता है, और लोकल कमेटी बनता है उच्च विद्यालय का, लोकल कमेटी जब गठन होता है तो उसको हम साथ लेके विद्यालय का विजिट करें और विद्यालय में पठन पाठन का जो व्यवस्था है उसको देखें, और यदि इसमें किसी तरह का कमी है तो उसको सुधार करने के लिए प्रयास करें। क्या बात, इसी बीच कुमार विरबल ने एक कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा एक सवाल है आपके लिए कि आप जो हर क्षेत्र का वीडियो बनाते हैं आपको क्या बेनिफिट मिलता है इससे, आपको सरकार की तरफ से कुछ महीने में मिलता है या नहीं, कैसे वीडियो बनाते हैं, गुस्सा नहीं होना है सर ऐसे पूछ लिए। बिल्कुल इसमें गुस्से की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है इस पर सबसे पहले तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है कि हम इस पर न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इसके अलावा जो हमारा इनकम ऑफ सोर्स है वो दो तरीके से होता है, एक कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन होता है, गूगल एडसेंस पेमेंट करती है वीडियो के लिए, और दूसरा कि उस पर एड लगा हुआ रहता है, जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें कॉमर्शियल जो विज्ञान
विज्ञापन होते हैं उसके खर्च लगते हैं, ये दो ही जरिया होता है इसके अलावा। और सरकार जो है वो बिल्कुल आपको फंडिंग नहीं करती है और ना ही हम लोगों को अभी फंड करती है। ये खर्च और ये इसका जो आमदनी होता है ये बहुत ही मतलब किसी तरह चलता है। ये शुरुआती दौर बहुत ही स्ट्रगल का होता है, हम लोगों का भी स्ट्रगल दौर है। धीरे धीरे आप लोगों के, आप दर्शकों के प्यार और दुआ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सरकार द्वारा किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों के प्यार से हम लोगों को बड़ी संस्था बड़े फर्म का लाभ मिले, इसी आशा और उम्मीद के साथ। और एक सवाल है कि बभनगामा हटिया में लोग रोड पर दुकान लगा के रखता है। देखिए आपके ग्राम से सवाल है, नाम, और नाम क्या है? पंकज कुमार भारती लिखते हैं, और हटिया अवस्थी जिनका घर है वहां तक सगे संबंधी को पहुंचने में बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निरंजन जी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मतलब हमारे पत्रकार ने हमें फोन किया, बोला कि सर रोड पर झगड़ा हो गया। हमने पूछा, चूंकि ये जोक है और लाइव प्रोग्राम है तो बिल्कुल हम दर्शकों से एकदम परिवार की तरह है, तो मैंने पूछा कि किस बात का है, तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ था यह कहते हुए कि सो शादी किस तरफ करेंगे। लड़की मतलब बच्चे की जो माँ थी, लड़की की जो माँ थी, उसका कहना था कि हम नौगछिया तरफ शादी नहीं करेंगे क्योंकि जाम लगता है। बिल्कुल। और उसके पिता का कहना था कि हमें जहां लड़का अच्छा मिलेगा वही कर लेंगे। बिल्कुल। और ये सवाल तो सीधा आपके गाँव से है। बिल्कुल, मैं पंकज भारती जी को एक चीज कहना चाहूंगा, ये सिर्फ बभनगामा की ही समस्या नहीं है, वैसे हरेक मार्केट का, हरेक हाट का समस्या है जहाँ तरह का हटिया लगता है। क्योंकि हाट कुछ ही घंटों का होता है और ये सरकार का राजस्व है, और हम उस हाट को अतिक्रमित किए हुए हैं, चाहे वो अस्थायी दुकानदार हो। अस्थायी तो दो घंटे के लिए आता है, वो बेचारा जाएगा, वो दो से पांच हटिया लगाता है, वो सरकार को सीधे राजस्व जाता है उस विषय में, और वो उसका क्षेत्राधिकार में आता है कि वो हटिया लगाएगा ही दो घंटे के लिए। थोड़ा सा इस पर हम लोग भी देखें, हमसे जो नीचे में दुकानदार भाई बैठे तो उनका भी परिवार है, उसी मतलब साधन संसाधन के द्वारा उससे जीविका उपार्जित कर वो अपने बाल बच्चे को पालते हैं। उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी, उसके लिए सरकार को चाहिए जहाँ भी हाट परिसर है, जो भी व्यवस्था है, वो दुकानदार को एक निश्चित रूप पर एक जगह मुहैया कराया जाए, उनको भी बताया जाए कि जहाँ खुला जगह है, जहाँ गाड़ियों का आना जाना नहीं होता है, उस जगह आप दुकान लगाएं। क्या बात है। और दीपक कुमार प्रेम लिखते हैं कि नौगछिया की धरती पर विवेकशील एवं कर्मठ पत्रकार में से एक चुने जाने वाले वरुण बाबुल का यह कदम काफी सराहनीय रहा, मैं इसके लिए आपकी काफी प्रशंसा करता हूँ, और मैं निवेदन करूंगा इसी प्रकार आप हर प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी से इस प्रकार की वार्तालाप करें और उसे नौगछिया से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए जरूर पहल करें। हार्दिक शुक्रिया दीपक कुमार प्रेम जी, आप लोगों का प्यार और दुलार है जो जीएस और वरुण बाबुल आपके सामने लाइव में है। हम निश्चित रूपेण हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप भी हमारे साथ आए और हम लोग बातचीत करेंगे। तो बातचीत है, हमने शुरू में ही कहा है कि ना तो यह व्यक्तिगत होगा ना ही यह पारिवारिक होगा, यह एक सामाजिक होगा। और अमरनाथ झा लिखते हैं कि लगता है लोगों के नज़र में आप समाज सेवी से अधिक सरकार के प्रवक्ता के रूप में नजर आ रहे हैं, दर्शकों का सरकार से अपेक्षा रखने के लिए साधुवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, चूंकि ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी हम जिस सरकार के नीचे हैं, जो सरकार मेरा प्रोटेक्शन कर रही है, निश्चित तौर पर हम लोग उसका सपोर्ट करें, उसके पक्ष में जाएं, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी आप सरकार चुनने की बारी आती है, एक निश्चित मैं एक थोड़ा सा लिंक से हटता हूँ, समय काफी कम है, मात्र एक मिनट, उसी में हम कहना चाहेंगे, एक कोई भी चपरासी की नौकरी के लिए न्यूनतम डिग्री होता है मैट्रिकुलेशन, आप कम से कम 10th पास करके आ पाए, एक देश का भविष्य बनता है, उसमें क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। मेरा सरकार से, मेरे अपने वर्तमान नरेंद्र मोदी जी से, अपने पूरे गृह मंत्रालय से, मेरा लाजवाब ये पंचायत चुनाव से लेकर न्यूनतम एजुकेशन आप मैट्रिकुलेशन रखें, यदि विधायक का चुनाव लड़ना है तो इंटरमीडिएट, और जब आप संसद का चुनाव करते हैं तो ग्रेजुएशन का। एक कॉल भी है, एक कॉल है। हेलो जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार सर, मैंने आपको कमेंट में सवाल लिखा सर जी, आप लोगों को पहले धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। हाँ सर, मेरे गांव में एक हाई स्कूल है सर जी, उसमें प्लस टू बनना था जी, उसका भवन निर्माण तो हो गया है सर, लेकिन वो अधूरा है, ना ही 5-7 साल से स्टार्ट हो रहा है सर, जिसके कारण लोकल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। शुक्रिया शुक्रिया। किस गांव की बात करें सर आप?
ये गोपालपुर लतरा सर। गोपालपुर लतरा, चलिए शुक्रिया। देखिए इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हाई स्कूल में भवन बन गया है, अच्छा कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कमी है और सरकार इस दिशा में पहल भी कर रही है। चूंकि मैं भैया को बताना चाहूंगा कि कोई भी मतलब हाई स्कूल या उच्च विद्यालय का पदेन अध्यक्ष विधायक जी होते हैं और स्कूल प्रबंधन के द्वारा। आज तो आज लाइव इंटरव्यू में निरंजन साह जी एकदम विधायक, एकदम कथित इंटरव्यू चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति बनता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, एनडीए की भी हो या राजद की सरकार, सरकार किसी की भी हो, हाई स्कूल उच्च विद्यालय के पदेन अध्यक्ष होते हैं विधायक जी और स्कूल प्रबंधन की कमिटियां होती हैं, उनसे सामंजस्य स्थापित कर जो भी समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। बिल्कुल जी सर, नमस्ते, क्या नाम हो आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? भैया जी मेरा नाम अंकित झा हुआ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद जी। शुक्रिया शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। सवाल पूछिए, आज निरंजन जी हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम उनको, निरंजन जी को बहुत बहुत प्रणाम जी। आप प्रणाम भैया जी। भैया जी एक समस्या है जी, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये बनने ये होने वाला था चलिए भैया कोई बात नहीं है संगत जी, हम समझते हैं आपका, मैं लिख के रखेंगे, अगले मैं जरूर करेंगे, कोई बात नहीं, आप काफी उत्साहित हैं और हम भी आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत कम समय शेष है और मुश्किल से हमें लग रहा है कि हम लोगों के लिए बस दो मिनट का समय शेष है। मैं चाहूंगा आपको अपनी ओर से कि आप कुछ अपनी बातें अगर कुछ रखना चाहेंगे तो रखें। मैं वरुण जी, मैं आपके जीएस न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, चूंकि ये आपके चैनल के माध्यम से आपका भी न्यूज एपिसोड है और मेरा भी पहला इंटरव्यू है किसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरी जो पहचान है नगुछिया में, अपने नगुछिया वासियों का प्यार दुलार, विभिन्न संस्थाओं का जो दुलार मिला है, जिसके चलते निरंजन का पहचान मिला है, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम संस्थाओं का आभार व्यक्त करता करना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल, और मैं तमाम लोगों से, दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, जो भी समस्याएं हैं उनको अपने पंचायत स्तर पर, अपने विधायक स्तर पर, अपने प्रशासनिक स्तर पर बैठ के, और ये चैनल बन गया है सरकारों का कि आप उसको बैठ के समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बहुत बहुत जाने अनजाने यदि किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद। आज के इस खास एपिसोड यानी पहली शुरुआत जीएस न्यूज पर टॉक विद वरुण बाबुल, टॉक विद बेबी, और मैं हूं आपका होस्ट और इस कार्यक्रम का एंकर वरुण बाबुल। आज का पहला एपिसोड हमारे साथ थे निरंजन साह जो बबनगामा बीपुर इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक घंटे का लाइव शो में सभी शामिल, सभी हमारे पाठक, कमेंट करने वाले, हमारे श्रोता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें मदद करने वाले सहयोगी, टीम, कैमरामैन, लाइटमैन और सभी का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और लाइव जुड़ने वाले सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपके इस प्यार और इस मोहब्बत से, इस दुआ से, आशीर्वाद से आज जीएस न्यूज पहला लाइव इंटरव्यू किया। इसी तरह हम मिलेंगे, हम प्रयास करेंगे कि एक दिन और एक समय तय हो जिसमें लाइव इंटरव्यू चले और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आज के इस इंटरव्यू का और इस खास मुलाकात के एपिसोड पहले का हम यहां लेते हैं एक छोटा सा विराम, बहुत जल्द लौटेंगे और नए एनर्जी के साथ और बिल्कुल पावर के साथ आपके बीच आएंगे। और याद रखिए, यह वैसा इंटरव्यू है जिसमें ना पैसा, ना पद और ना ही पावर की जरूरत है, यह इंटरव्यू आम लोगों का है और आम लोग इसमें शामिल होंगे। आज के इतना, आज के लिए इतना ही और लेते हैं अल्प विराम। नमस्ते और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज टॉक विद वरुण बाबुल।